का आयोजन किया जा रहा है। आज जो प्रतियोगिता हो रही है 10 से 15 वर्ष के बच्चों के बीच में हो रही है। आप हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, हमारे आश्रम के श्री सुरेंद्रनाथ जी महाराज सभी मेहमानों के साथ हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। उनके साथ में है राजेश जी कटेरा, हमारे पूर्व सांसद श्रीमती संतोष जी अलावत, श्री चंद्र प्रकाश जी देवगढ़, कांताल जी देवगढ़, हमारे पूर्व सांसद संतोष जी अलावत, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। सुरेंद्रनाथ जी महाराज की जय। साथ में है चंद्रपाल सिंह जी दूर, सुरेंद्रनाथ जी महाराज कृपया मंच पर पधारे। स्वागत सत्कार के हमारी परंपरा रही है कि मैं श्री उमा शंकर जी शर्मा से निवेदन करूंगा, गोपाल जी गोल का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार सभी का। हमारे पिटे जी वहां पे सुंदर देते हैं कि आप सभी लोग देखते हैं कि बाबा जी योगासन करते हैं, योग मुद्रा में रहते कैसे रहते, कई प्रकार के फोटो में देखने को मिलता है। इसलिए अगर महाराज श्री दौड़ते हो तो इसे बच्चों में फोटो जाते पहले से योग की बड़ा आभार महाराज श्री का, बहुत ही सुंदर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, बहुत ही शानदार हो गई बच्चों को देखना चाहते हैं। अब बाकी राज्य में रास्ता छोड़ दें बाकी सभी वाराणसी को जोड़ के आगे प्रणाली में मानसिक प्रणाली में कहीं कोई दूरी होगी तो उसको दूर करने का मैं वचन देता हूँ। और सबके साथ हूँ, संपूर्ण भारतवर्ष के युवाओं के साथ, उनके तन मन धन से आप लोग अच्छे से हर जीवन के हर क्षेत्र में जोड़ो और इतना जोड़ो कि तुम्हारे से आगे कोई नहीं निकल पाए। आदेश 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 और धन्यवाद। क्या नाम है तेरा? विष्णु सोनी। अच्छा काम करेगा तू। जाके वापस आ गए हैं, काफी अच्छे बाबा जी के दर्शन किए, अच्छी सेवा की थी, काम भी किया था उधर, दो दिन रहे थे, काफी अच्छा हमारा मन लग गया पूरा ठीक है। और अभी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें वहां से रवाना हुए, पहले मैं ड्राइव कर रहा था, अभी सुरेंद्र ड्राइव कर रहा है, मैं पीछे आ गया हूँ, रणधीर भैया और सुरेंद्र दोनों आगे बैठे हैं। तो पूरा मतलब मन लग गया उधर, मतलब जितने भी आज तक मैं गया हूँ दो चार बाबा के पास, मतलब मंदिर में जाते हैं वगैरह, वहाँ बाबा मिलते ही हैं,
उनमें ये बाबा सबसे अलग है, मतलब इनके बोलने का ढंग, इनके बताने का तरीका जो भी है वो सबसे हटकर है और सबसे अच्छा लगा हमें। तो इनके दर्शन करके हमारे मन को, मतलब वो कहते हैं ना, काफ़ी प्रसन्नता हुई। अभी हम आगे हैं तौलिया सर, तौलिया सर पे हम बाबा भैरवनाथ जी के धूप लगाएंगे, मत्था टेकेंगे उनके। और वहाँ पे कल शाम को सत्संग था और आज दिन में है जो अपने भंडारा था बाबा जी का, वहाँ पे दौड़ प्रतियोगिता भी थी, उसका वीडियो मैंने पीछे डाल दिया है। दौड़ प्रतियोगिता भी बाबा जी ने करवाई थी, जिनके अंदर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से पुरस्कृत किया गया और अच्छी तरीके से दर्शन करके हम लोग वहाँ से रवाना हो गए हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेके। और वो अघोरी बाबा है, मतलब जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं, बाबा जी काफ़ी अच्छे थे वो। हम लोग पहुँच गए हैं तौलिया सर बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। ये बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है, अंदर से दिखाएंगे आपको। Thank you.